नूरपुर के बोर्ड में आज राजपूत कर्णी सेना का विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी ने की। कालवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास बहुत संसाधन नहीं हैं कि राजपूत कर्णी सेना को जिस तरह से समर्थन मिला इस पद्मा वाले मामले पर। आज जब हिमाचल, जम्मू और पंजाब में तीनों जगह अलग अलग तौर पर प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। कालवी ने कहा कि जब 93 में बच्चे भाग गए थे तब ये 15-15-20 वर्ष के थे, अब ये 50-50 साल के हो गए हैं। मेरे हिसाब से काफी लंबा समय है कि ये 35 साल किसी बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हमने भारत के गृह मंत्री से भी अनुरोध किया है और भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलने जा रहा हूँ। कालवी ने कहा कि हम आर्थिक आधार पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं जो मोहन भागवत जी ने बिहार इलेक्शन में पहले समीक्षा की बात कही थी। समीक्षा का अर्थ है भैयाजी जोशी जो नंबर 2 हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि आरक्षण किसको होना चाहिए, कितना मिला, कितना लाभ हुआ, कितना फायदा हुआ, किसको नहीं मिला, कितना नुकसान हुआ, और इन सब के बीच में उस गरीब के लिए कुछ व्यवस्था बन सकती हो तो समीक्षा के दाम पर की जानी चाहिए। हमारे पास में बहुत संसाधन नहीं था कि राजपूत कर्णी सेना को जिस तरह से समर्थन मिला भी इस पद्मावत वाले मामले पे। हम आज अब हिमाचल में, जम्मू में और पंजाब में तीनों जगह अलग अलग तौर पर अभी प्रभारी नियुक्त करके जाएंगे ताकि वो विधिवत तौर पर श्री राजपूत कर्णी सेना का गठन कर सके। 12 साल पूरे होने जा रहे हैं 23 सितंबर को, रविवार के दिन। हम चाह रहे हैं उसको विशालतम स्तर पर दो मुद्दों को लेकर, आरक्षण की समीक्षा और अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का राजमहल बनाने के लिए, इन दो मुद्दों पर हम एक संख्यात्मक तौर पर महसूस कराना चाहते हैं कि देश में हमारी बात को भी सुना जाए, महसूस करा जाए। जहां तक पद्मावत वाले मामले में क्या हुआ इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, अगले 100 साल तक इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा ये कम से कम हमने तय करवा दिया। कम से कम गिनती हो गई कि हम कितने हैं, क्या है हमारी, क्या हैसियत है, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इसके साथ के साथ ही आर्थिक तौर पर भी समाज के हित में हम कुछ कर सके इसके लिए राजपूत कर्णी सेना तैयार तत्पर। तो उदाहरण दिया, जब 93 में बच्चे लोग गए थे तब ये 15-15-20 साल के थे, अभी ये 50-50 साल के हैं। मेरे ख्याल से काफी लंबा समय है 35 साल किसी बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है, हमने भारत के गृह मंत्री जी से भी अनुरोध किया है और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मैं मिलने जा रहा हूं इस मामले में कि ये काम हमें दे दीजिए। भाई अभी जो राजनीतिक तौर पर फैसला लेने में अड़चन आ रही है, सांप्रदायिक सद्भाव में गड़बड़ी हो सकती है, राजनीतिक तौर पर प्लस माइनस कुछ हो सकता है। हमारे भाई मैं तो कह रहा हूं लव का वंशज हूं, और लव के वंशज होने के लिए कारण सीधा सीधा भगवान श्री राम के परिवार का आदमी हूं। हमें ये काम दे दीजिए, हमारा ही काम है, हमारे ही परिवार के आदमी है। वहां क्यों मंदिर में भगवान श्री राम कोई मंदिर में जन्मे होंगे, मैं मानता हूं नहीं, एक राजमहल में जन्मे थे और राजमहल ही बनाने के लिए हमें इजाजत दिया जाए, पूरा खर्चा हम उठाने को तैयार है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन रख ली है, पर हमें पार्टी अभी बना दिया है ऐसा तय नहीं हुआ।